कन्नौज विकास खंड में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा द्वारा सतवास रोड माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में किया गया। इस अवसर पर विधायक शर्मा द्वारा बच्चों को वैक्सीन लगाने हेतु प्रेरित करते हुए पुष्पहार से स्वागत किया तथा बच्चों को बिस्किट के पैकेट का वितरण किया गया। साथ ही अभिभावकों से बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की गई। इस अवसर पर बीएमओ डॉक्टर लोकेश मीणा द्वारा बताया गया कि आज से विकास खंड कन्नौज में 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। अभियान के तहत 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग में वर्ष 2008 एवं 2009 में जन्मे समस्त बालक बालिकाएं कोविड 19 वैक्सीनेशन हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2010 में जन्मे केवल वह बालक बालिकाएं कोविड 19 वैक्सीनेशन हेतु पात्र होंगे जिन्होंने 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री एवं मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से आज 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। कार्बोवैक्स ये अच्छी वैक्सीन है और इस अभियान की शुरुआत आज हमने यहाँ अपने क्षेत्र में की है। कोरोना से लड़ाई में भारत के कदम बहुत कारगर सिद्ध हुए हैं और इस आयु वर्ग के जो बच्चे बचे हुए थे उनको भी अतिशीघ्र वैक्सीन लगाकर इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। कोरोना की जंग में भारत जीतेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरा सभी अभिभावकों से, स्कूल के संचालकों से आग्रह है कि बच्चों को वैक्सीन सेंटर पर लेकर आएं और वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवाएं। आज कन्नौज विकास खंड में 12 से 14 वर्षों के जो बालक बालिका है उनका कोविड वैक्सीनेशन आरम्भ हो रहा है। इसके अंतर्गत कार्बोवैक्स वैक्सीन बच्चों को लगना है और 2008 और 2009 के वो सारे बच्चे इसके लिए पात्र होंगे, उनको कोविड वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। तथा 2010 के वो बच्चे जिनने 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं उनको कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो मेरी सभी बच्चों के अभिभावकों से अपील है कि वो अपने बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन आवश्यक रूप से करवाए ताकि इस महामारी से बचाव हो सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।